गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फिर मैं आ गई हूँ अपनी एक नई ट्रिप के साथ। हम लोग जा रहे हैं वाराणसी पूरी फैमिली, और हम लोग को किसी को छुट्टी थी नहीं, तो एक छोटा सा ट्रिप है, स्मॉल ट्रिप, एक दिन का। तो हम लोग जा रहे हैं और ये हम लोग स्टेशन पहुँच गए हैं, और हमारी ट्रेन पहले से ही खड़ी थी, तो हम लोग ट्रेन में कंटिन्यू करते हैं। और ये भैया भाभी का एनिवर्सरी सेलिब्रेशन भी हम लोग इसी में करेंगे साथ में। हैप्पी बर्थडे मम्मा। भैया उधर से खोलो जरा, ये अपने आप हो गया। अरे यार ये उधर से तुम खींचो ना, बाद में खींचना, पहले खोल दो। एक 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 बोथ लव बर्ड्स आर वेरी एक्साइटेड। व्लॉग हो रहा है क्या भाई? यस भाई, बस बस कूल। हैप्पी एनिवर्सरी टू यू, हैप्पी एनिवर्सरी टू यू, क्यूटी भाई। हाँ जरूरी है, जरूरी है। बर्थडे नहीं है। अरे वो वीडियो बना रही है, फोटो इधर खिंचाओ। यार ये तो हम लोग ट्रेन में पूरी पार्टी ही कर रहे हैं। एवरीवन इज वेरी एक्साइटेड। पड़ी पड़ी हो रही है, बात नहीं। हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी टू बोथ ऑफ यू। अब मैरिज एनिवर्सरी खत्म हो रही है, लेकिन टाइम हो गया है, 12 बजने वाले हैं। बच प्रीटी लाओ यार, निकालो क्या आइटम है। ले ठीक है, वाओ कूल यार। हेलो एवरीवन। हाँ चलना पैदल ही आओ। तो गाइज अब हम लोग पहुँच गए हैं वाराणसी स्टेशन, और जैसा कि आप लोग ने प्रीवियस क्लिप में देखा कि हम लोग एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो 12 बजे केक कटिंग होनी थी और 12 बजे के बाद की ही ट्रेन थी, तो हम लोग ने बोला केक क्यों ना हम लोग लेके ट्रेन में ही कट करते हैं। और ये हैं गुन्नू हमारी इंजॉय करते हुए, फर्स्ट ट्रिप है ये उसकी हम लोग के साथ। और ये है हमारा वाराणसी स्टेशन, देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। और फिर इसके बाद अब हम लोग को काशी जाना है दर्शन करने। यहाँ पे नेशनल फ्लैग लगा हुआ है, और मैंने जय हिंद किया था बट वीडियो में मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। प्रिटी दो पहिया वाहन पार्किंग इज प्रिटी। कहाँ नंदी बाबा? प्रिटी कूल नंदी बाबा। गंगा घाट, गंगा घाट। वाह यार, पंचमुखी रुद्राक्ष। रिवर अच्छा बड़े 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 चाय गरम, चाय जो है चाय, बड़े 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 चाय जो है चाय चाय। तो गाइस अब हम लोग जा रहे हैं गंगा में स्नान करने। यार काफी भीड़ हो रही है। मैं यार गाइस बाद में ऑडियो रिकॉर्डिंग करके डाल दूंगी, क्योंकि वॉइस आएगी नहीं आई नहीं। दीदी पकड़ ले।
रे चलो गाइस, वी आर ऑन द बोट और हम लोग जा रहे हैं उस घाट में नहाने के लिए और धूप बहुत तेज हो रखी है। सब लोग बैठ गए हैं। कौन सा घाट है? दशमेध घाट। भाभी जो एक्चुअली हर बार बताती रहती है, शी इज़ वेरी डीप नॉलेज ऑफ ऑल दीज घाट्स एंड तीर्थ यात्रा। बहुत तेज धूप हुई है और चल नहीं रही है। अभी मैं उस साइड जाके ब्लॉगिंग करूंगी और आप लोग को दिखाऊंगी कितना सुंदर घाट है। गंगे मैया की जय। वाओ वाओ। जानती है सुबह के टाइम और आते हैं, सुबह के टाइम और अच्छा लगता है ना। बहुत हो गया है। हम लोग जा रहे हैं नहाने। आप गिरी में नहीं नहीं हम अपने आप को दिखा रहे हैं। क्यों टेंशन? इधर देखो, इधर देखो स्तुति, इधर देखो। Now we are going for darshan. अब आज ही बैठ जाती यार। अरे कुछ भैया अब गार्जियन आप हमारी बात समझिए, सबसे अंदर से मोबाइल कलेक्ट कर लीजिए, ये सामान नहीं जाएंगे, एक लॉकर में गिन के रखिए। अब प्रसाद किसको किसको कैटो चढ़ाना है, जूते दीदी एक साथ रखिए भैया। प्लीज प्लीज प्लीज। वाह पर ये रही मम्मी, ये रही शुक्ला जी। हेलो करो गुन्नू, हेलो बोल दो। पी रही है ना मुँह में, बस ठीक। वेरी गुड। और एज यूजुअल मेरा हो गया है गला खराब, तो मैं बाद में ऑडियो डालूंगी। बाकी आप लोग भी एज यूजुअल दर्शन एंजॉय करिए, और इफ मेरी वॉइस नहीं क्लियर होगी तो मैं बाद में ऑडियो डब करके डालूंगी, क्या कर सकती हूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत रश हो चुका है और इतनी भीड़ में तो कुछ भी नहीं सुनाई देने वाला है। भैया इस साइड करो। पापा का याद है? पापा फोन लिए क्या ऑनलाइन से? कोई नंबर नहीं लिया। मुझे भी देखना है।
झांकना पाओ पूरा झांक वो आए कुएं में देखो और चलो पियो ये धर्मांतरी कूप है ये पिद्धकाल का कुआं था धर्मांतरी महाराज आए यार लेकिन ये पक्का है ना कि हर मंदिर में एक पुराना पेड़ बड़ा सा होता ही है जाओ 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 घूमे के दर्श बनारस की गलियां सच में पूरा रास्ता ही ऐसा है बनारस में